हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज बीएचआईसी 134 का नेक्स्ट जो यूनिट है वो ले लेते हैं, यानी यूनिट 5 ले लेते हैं। ठीक है, भारत का इतिहास 1707 से 1950 चल रहा है और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 5 की, तो यहाँ पे ये यूनिट 5 जो है आपका बीएचआईसी 134 का बीए के जो स्टूडेंट हैं उनका जो कोर्स है EHI, उसका EHI 5 के यूनिट 13 और 31 पर से लिया गया है। यानी बीए के स्टूडेंट यदि आप हैं इस चैनल को, इस यदि आप बीए के स्टूडेंट हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका EHI 05 सब्जेक्ट है, तो उसका यूनिट 30-31 देखिएगा आप। और जो लोग बीएजी के स्टूडेंट हैं और बीएचआईसी 134 उनका सब्जेक्ट है तो यूनिट 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे ले लेते हैं यूनिट 5। और यूनिट 5 में आज हम देखेंगे यहाँ पर 1857 का विद्रोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है और मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो 100% 1857 के विद्रोह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखेंगे क्या, सबसे पहला जो इससे क्वेश्चन एक क्रिएट होता है वो होता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके कारण क्या थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बनता है, कृषकों का शोषण, रियासतों का विलय, अंग्रेजी शासन का विदेशीपन, सिपाहियों पर प्रभाव, धर्म का खतरा, ये मेन कारण थे और तत्कालिक कारण। ये इतने जो कारण थे 1857 के विद्रोह के लिए काफी थे। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी इसमें ये भी पूछता है कि 1857 का जो युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, वो लिख के समझाइए। तो कभी कभी सिर्फ तत्कालिक कारण को पूछ लेता है या कभी कभी 1857 के कौन कौन से कारण थे विद्रोह के वो लिखिए, तो आपको फिर ये सभी चीजें उसमें लिखनी होंगी। ठीक है, तो टॉपिक में लिखेंगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। फिर विद्रोह का उद्भव कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई, हमें पता है मेरठ से हुई थी मंगल पांडे। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, इतनी चीजें हम यहां पे देखेंगे। उसका दमन कैसे किया गया विद्रोह का, ठीक है ना, और उसमें ब्रिटिश नीति क्या थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये बन जाता है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं इसमें और हम यहां पे ले लेते हैं कि 1857 का जो युद्ध था, ठीक है, वो किस तरह से हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। तो 1857 के कारण क्या थे, 1857 जाना ही जाता है युद्ध के लिए, तो उसका कारण क्या था, क्यों लोग भड़के थे, क्या कारण था। तो इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। यानी अंग्रेज जो थे वो राज करने लगे थे, अभी तक हमने देखा औपनिवेशिक भारत को पढ़ा कि किस तरह से वो व्यापार करने आए और किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने हमारे भारत में शासन किया, ये अभी हमने देखा। अब शासन हो गया उनका, उनका एक स्थायित्व वर्चस्व यहाँ स्थापित हो गया, उन्होंने भारत को गुलाम कर दिया, अपने अंडर में उन्होंने सब कुछ ले लिया। तो फिर 1857 में एक क्रांति हुई, एक विद्रोह हुआ, तो उसके कारण क्या थे, क्यों विद्रोह हुआ था। तो उसका मुख्य कारण था कि जो अंग्रेज थे वो भारतीयों का शोषण करते थे, अमानवीय शोषण किया जाता था। और ब्रिटिश शासन जिसका प्रारंभ विधिवत रूप से 1757 में प्लासी के युद्ध के बंगाल में हुआ था, मैंने सेकंड यूनिट में पढ़ाया था आपको, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, ये वही लोग हैं। ठीक है, तो भारतीयों का शोषण कर ईस्ट इंडिया कंपनी का खजाना भरता रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी सौदागरों और व्यापारियों द्वारा शासित थी, जो श्रम को समृद्ध करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकती थी और वो गई भी थी, यही मेन कारण था। तो 1857 के कारण में पहला कारण था कृषकों का शोषण। रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो आप लोग पेन कॉपी जरूर लेके बैठे, यदि आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन बुक नहीं है तो जरूर पेन कॉपी लेके बैठे। और जो मेन मेन चीजें, जो मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ, उस क्वेश्चन को लिखिए, देन उसके बाद उनके हेडिंग यदि है तो हेडिंग को लिखिए, हेडिंग नहीं है तो जो मैं आपको बताती हूँ उसे आप मेरे वर्णों में लिखते जाइए, तो 100% आप पास हो जाएंगे। आप कह ही नहीं सकते हैं कि आप फेल हुए और हमने पढ़ाया। तो पहला कारण लिखिए, हेडिंग आपकी पड़ेगी कृषकों का शोषण। अब यहाँ पे कृषक का शोषण कैसे हुआ, तो जैसे कि हमने पहले ही बताया, शुरू में बताया था कि बंगाल में इन्होंने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि जो बंगाल था वो नदी के किनारे था, हुबली नदी थी, वहां पर ये व्यापार करने गए थे। व्यापार करने के बाद वहां पर उन्होंने शासन किया, संधि की, युद्ध किया, सभी कुछ किया, वहां पर बहुत उनको पैसे मिलते थे, बहुत ज्यादा ये पैसे बंगाल से लिया करते थे, वहां के शासक से लिया करते थे, चाहे सिराजुद्दौला हो, मीर कासिम, मीर जाफर, जो भी हो। ठीक है, और यहाँ यही नहीं, पैसे को हड़पने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे को उगाने के लिए उन्होंने
भूमि व्यवस्था के नए उपाय निकाले, जैसे स्थायी व्यवस्था, रैतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, एक से बढ़कर एक दमनकारी व्यवस्था थी। यानी किसानों के ऊपर ज्यादा लगान देना दबाव रहता था, वो उनको ज्यादा शोषण उनका किया जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे। तो स्थायी भूमि व्यवस्था जो बंगाल प्रेसिडेंसी तथा उत्तर भारत के बड़े हिस्से में लागू थी, ये कृषकों को भूमि पर वंशानुगत स्वामित्व अधिकार नहीं दिया गया जो उन्हें पहले प्राप्त था, ये जमींदारों के हाथ में रख दिया गया था। ठीक है, अब सब कुछ जो है वो जमींदार किया करते थे। राजस्व जो पैसा भूमि का होता था वो जमींदार लेते थे, भूमि का अधिकार भी जमींदारों को दे दिया गया था। और यदि जो किसान होते थे और जितना उनसे लगान लिया जाता था, जितना राजस्व पैसा मांगा जाता था, जितना वो नहीं दे पाते थे, तो किसान जमींदार जो होते थे किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर देते थे और वो जमीन किसी और को दे दिया करते थे। ठीक है ना, तो ये इन्होंने किया था अंग्रेजों ने। तो कृषकों का यहाँ पे शोषण किया गया, कृषकों से प्राप्त लगान में से 10 से 11 हिस्सा उन्हें कंपनी को देना पड़ता था और ऐसा नहीं कर पाने पर उनकी संपत्ति को दूसरों के हाथ बेच दिया जाता था। देखिए ये होता था, तो यहाँ पे कृषकों का शोषण किया गया पहला कारण था। ठीक है, अभी और भी है, आप अपने वर्डों में इनको लिखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब कोई कोई कृषक है, कोई किसान है, उसे लगान भरना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कोई ऐसी विपदा आ गई, कोई ऐसा कारण हो गया, सूखा आ गया या फिर बाढ़ ही आ गई, ठीक है ना, और वो पूरा पैसा जो है महाजन से लेके कर्ज लेकर के अपना खेती किसानी कर रहा है। अब उसे अंग्रेजों को देने के लिए, जमींदार को देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो इतना बोझ से दब जाता था, कर्ज भी ले रहा है वो, जो कुछ हो रहा है तो उसका पैसा किसान अंग्रेजों को जमींदारों को वो दे रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं होता था, तो मजबूर होके वो क्या करता था कि अपनी जमीन जो है महाजन लोग हुआ करते थे तो उनके हाथों में उनको बेचनी पड़ती थी। ठीक है, और यही कारण था। ठीक है, बेच देनी पड़ती थी, और यही मेन रीजन एक था कि जो ग्रामीण समाज था वो महाजन को बहुत अधिक घृणा से देखे जाते थे। तो ग्रामीण समाज में महाजनों को सम्मान नहीं मिलता था क्योंकि वो किसानों की जमीन गिरवी रख लिया करते थे। ठीक है ना, और जो निम्न स्तरीय प्रशासन अधिकारी हुआ करते थे वो किसानों पर भी अत्याचार करते थे, छोटे छोटे बहाने के लिए उनसे पैसे ऐठा करते थे। न्यायालय के दरवाजा, अगर न्यायालय भी हो जाए तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं मिलता था क्योंकि पूरी जो व्यवस्था थी जमींदारी से संबंधित थी। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो कृषकों का शोषण किया गया तो वो भी एक मेन कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, दूसरा रियासतों का विलय, दूसरा कारण। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सहयोगियों को भी नहीं बख्शा, मतलब जैसा कि मैंने कहा था ना कि बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल में तो यही किया गया ना, और जो ये रियासतों का विलय था ये डलहौजी ने अंग्रेजी शासन में मिला लिया, यानी डलहौजी के टाइम में हुआ था। और ये कहा भी गया फूट डालो शासन करो वाली नीति यहाँ पे अपनाई गई थी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि जिसके मान लीजिए कोई राज्य है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो क्या किया जाएगा, उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। और यही उन्होंने 1848 में सतारा में और 1854 में नागपुर तथा झांसी को किया, इसी के बहाने मिला लिया था। क्यों? क्योंकि उनका कोई वंशानुगत अधिकारी नहीं था। तो एक रियासतों का विलय भी था, इस विलय से जो राज्य थे वो इतने ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। और आपको पता है कि झांसी की रानी ने कितने साहस और अदम्यता के साथ में उसने मुकाबला किया था, अवध की बेगम जो थी अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन ये बन गए थे, ना अंग्रेजों ने नाना साहेब जो पेशवा के बाजीराव थे उनके द्वितीय दत्तक पुत्र थे उनको पेंशन देने तक से मना कर दिया था क्योंकि गोद लिए हुए बेटे थे, और अंग्रेजों ने सीधे कह दिया था कि जिनका खुद का पुत्र है, जिनका खुद का उत्तराधिकारी है, सिर्फ वही उस राज्य को चला सकता है, ना तो कोई गोद लिया हुआ अधिक पुत्र हो सकता है और ना ही कोई और। तो ये जो कुछ ऐसे रीजन थे, और जो जिन राज्यों में ऐसा होता था कि जिनके खुद के पुत्र नहीं होते थे, उत्तराधिकारी नहीं होते थे, वंश आगे नहीं चल सकता था, तो अंग्रेज उनको अपने राज्यों में मिला लेते थे। तो ये भी एक मेन रीजन था रियासतों का विलय 1857 की क्रांति का मेन कारण था। ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब यहां पे देख लेते हैं अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। अभी विदेशीपन कैसे हो गया,
तो ब्रिटिश शासन की अलोकप्रियता का दूसरा कारण था उनका परायापन। उन्होंने कभी भी भारतीयों से मेलजोल नहीं बढ़ाया, कभी भी उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता को नहीं अपनाया, बल्कि उनको दुत्कारा ही। बल्कि वो भारतीयों को चाहते थे कि अंग्रेजों की तरह यानी पाश्चात्य सभ्यता को वो अपनाए और उनकी तरह वो बन जाए, ठीक है ना। तो भारत में रहने तो आए नहीं थे, क्यों भारत में यहाँ पे रहने आए थे, वो तो सिर्फ यहाँ पे कमाने आए थे, पूंजी कमाने आए थे, पैसा कमाने आए थे, व्यापार करने आए थे, बिजनेस करने आए थे। और यही कारण था कि वो कभी भी भारतीयों से घनिष्ठता नहीं रखी, कभी भी मेलजोल नहीं बढ़ाया, कभी भी उनको प्यार नहीं दिया। तो अंग्रेजी शासन का विदेशीपन भी यहाँ पर देखने को मिला। तो ये तीसरा एक कारण हो गया था किसका, 1857 की क्रांति का, ओके। चौथा था सिपाहियों पर प्रभाव। 1857 की जो शुरुआत है वो सिपाही विद्रोह से हुई थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सिपाहियों पर इसका प्रभाव पड़ा था। और इसका प्रभाव जो था कि जो सिपाही आए हुए थे कहाँ, हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देंगे, आप इसी तरह से लिखिएगा कि जो सिपाही आए हुए थे अंग्रेजी उसमें, वो कृषक वर्ग से आए हुए थे, यानी खेती किसानी वाले लोग थे, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ऑलरेडी उन लोगों का शोषण कर रही थी, तो वो कृषक जो थे वो ऑलरेडी गरीबी और बर्बादी की ओर जा रहे थे, और इससे त्रस्त होकर वो सिपाही बन रहे थे, सेना में भर्ती हो रहे थे। और इसका प्रभाव सिपाहियों पर भी पड़ रहा था, क्योंकि अधिकांश जो आय सिपाहियों को मिल रही थी वो कहां से मिलती थी, वो कृषि से आय प्राप्त होती थी, और कृषि से उतनी आय उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो 7 से 8 रुपए का मासिक वेतन जो है उनको दिया जाता था, जिन्हें उनमें अपना भोजन वर्दी व्यक्तिगत सामानों के वहन के लिए भी चुकाना पड़ता था। तो एक भारतीय सिपाही का निर्वाह व्यय भारत में ब्रिटिश सिपाही पर आने वाले व्यय से 1/3 था, यानी कि दुर्व्यवहार यहाँ पे उनसे किया जाता था। जो ब्रिटिश सिपाही होते थे उनको ज्यादा यहाँ पे तनख्वाह दी जाती थी, जो भारतीय सिपाही होते थे उनको कम दी जाती थी। और इसके साथ साथ में जो भारतीय सिपाही होते थे उनके साथ अभद्रता की जाती थी, अभद्र व्यवहार किया जाता था ब्रिटिश अधिकारियों की तरफ से। अगर आपने केसरी मूवी देखी है, बहुत ऐसी मूवियां देखी होंगी जिनमें अंग्रेज और हिंदुस्तानी जब होते हैं तो क्या होता है, तो यही ये भी एक मेन रीजन था, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह का कारण था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें गालियां दी जाती थी, ठीक है। तो ये भी एक मेन रीजन था 1857 की क्रांति का, सिपाहियों पर प्रभाव। इसका भी प्रभाव सिपाहियों पर गहरा पड़ा। धर्म का खतरा। अब धर्म का खतरा कैसे हो गया, जब सुविधाओं में गिरावट आ गई, जब सुविधाओं में कमी आ गई, सिपाहियों को सभी सुविधाएं नहीं दी जाती थी जो ब्रिटिश सिपाहियों को दी जाती थी, तो वो बगावत पर उतर आए थे। और ऐसा लगने लगा था कि ब्रिटिश शासक द्वारा उनके धर्म पर हमला हो रहा है, ठीक है। और ऐसा संदेह आम जनता में भी पैदा हो गया था। उसका एक रीजन ये था कि यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश बस ही नहीं थे, यहाँ पे डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली भी थे, और जो यहाँ पे बिजनेस करने के साथ साथ में धर्म का प्रसार करने आए थे, खासतौर पे अगर मिशनरियों की बात करते हैं, तो जो मिशनरी लोग यहाँ पे आए थे ये पैसा कमाने नहीं आए थे, ये यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रसार करने आए थे, प्रचार करने आए थे, ठीक है। सरकार जो है वो चर्च को अपने खर्च से चलाती थी, सरकार ने भी छूट दे के रखी थी, और कई जगह मिशनरियों को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करती थी। तो यहाँ पर ये भी लगने लगा था कि हमारा जो एक हिंदू धर्म है, हमारा जो अपना एक धर्म यहाँ का है, भारत का मुस्लिम धर्म, वो खतरे में आ रहा है, और यहाँ पे जो बाहर के धर्म है, जो ईसाई धर्म है, वो ज्यादा यहाँ पर आक्रामक हो रहा है। तो एक मेन ये भी रीजन था 1857 की क्रांति के होने का, यानी धर्म पर खतरा पैदा होना, ठीक है ना। जैसे 1844 में 7 बटालियनों ने वेतन और भत्ते के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया, और यहाँ तक कि 1837-1842 के अफगान युद्ध के समय सैनिक एकदम विद्रोह पर उतर आए थे। तो सिपाहियों की तरह भारत की आम जनता भी अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध विद्रोह पर उतर आई थी, और तो ये एक मेन कारण था, ठीक है ना। और इन दोनों के परस्पर संयोग ने, किसने, सिपाही के विद्रोह ने और आम जनता के विद्रोह ने क्या किया था, इस विद्रोह को शक्तिशाली बना दिया था। तो एक ये मेन कारण हो गया। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है तत्कालिक कारण, जो हम सभी को पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी तो किस वजह से हुई थी, और इसकी चिंगारी जो उठी थी वो मेरठ से उठी थी, मंगल पांडे की तरफ से उठाई गई थी, ठीक है ना। और मेन जो रीजन था वो था कारतूस का प्रयोग।
यहाँ पर एक छोटी सी वजह जो थी विद्रोह का कारण बन गई, हालांकि छोटी वजह से हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे मजहब हमारे धर्म से जुड़ी हुई वजह थी। और यहाँ पर था कि गिरीश पर लगे कारतूस का प्रसंग अपने आप में इतना गंभीर कारण था कि कारण अकेला ही विद्रोह की शुरुआत कर सकता था, यानी कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता पड़ती है और वो चिंगारी कारतूस थी। ठीक है, तो जो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, तो जो सिपाहियों को राइफल दी जाती थी, जो कारतूसे दी गई थी, राइफल में कारतूसे भरी जाती थी यानी गोलियां भरी जाती थी, तो उसको क्या करते थे कि उसको ढकने के लिए ग्रीज लगा पेपर होता था जिसमें राइफल में भरने से पहले उसको क्या करते थे, दांत से काटना पड़ता था और फिर राइफल में लगाना पड़ता था। तो जो ग्रीज लगा होता था जिसे दांत से काटते थे वो किसका बना हुआ था, गाय व सुअर की चर्बी से बना होता था। तो गाय को हिंदू में पवित्र माना गया है, सुअर को जस्ट अपोजिट इसके माना गया है। तो हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाही जो थे वो क्या हो गए थे, क्रुद्ध हो गए थे, भड़क गए थे और उन्हें विश्वास हो गया था कि जानबूझकर अंग्रेज शासन ऐसा कर रही है उनके धर्म को नष्ट करने के लिए। ठीक है, और ये तत्कालिक कारण था। तो यदि कारण से पूछता है तो आपको सब कुछ लिखना है, लेकिन ये तत्कालिक कारण पूछता है तो आपको इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है, कम से कम 250 या 150 वर्ड में पूछेगा तो एक से डेढ़ पेज में भी लिख देंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, तो कारतूस का जो मेन कारण था वो कारतूस का चर्बी वाला, ठीक है ना, सुअर और गाय का, ये मेन तत्कालिक कारण है। अच्छा, विद्रोह का उद्भव कैसे हुआ अब ये देख लेते हैं। कारण हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना कौन कौन से थे। ओके, विद्रोह देख लेते हैं, विद्रोह का उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरठ से मंगल पांडे ने की थी। 27 मार्च 1857 को बैरकपुर में तैनात एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी थी। उसे फांसी पर लटका दिया गया और इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, परंतु इसे सिपाहियों में फैले असंतोष तथा क्रोध का पता चल गया था और घटना के एक महीने के अंदर 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और उनमें 85 को बर्खास्त कर दिया गया था और 9 मई को 10 साल के लिए जेल की सजा दे दी गई थी। और इस पर शेष भारतीय सिपाहियों में जोरदार प्रतिक्रिया हुई और अगले दिन 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया था और अपने साथियों को मुक्त कराकर ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय लिया। और इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में ब्रिटिश शासन का कोई ना कोई विकल्प था। तो अगर क्वेश्चन कभी कभी यही पूछ लेता है कि विद्रोह का 1857 की क्रांति का विद्रोह का उद्भव कैसे हुआ और इसका क्या कारण था, तो फिर ये दोनों चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, है ना। तो ये विद्रोह का उद्भव यानी विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, तो मेन ये कारण था। और दूसरा वही था, दूसरी बात इससे भी पता चलता है कि सिपाही जो थे, विद्रोह ही नहीं था बल्कि ऐसे सिपाहियों के अधिकारियों पर गोली चलाने की आवाज सुनी, आसपास के सैन्य बाजारों को लूटना भी शुरू कर दिया और अंग्रेजों के बंगलों पर आक्रमण कर उन्हें जला डाला। आसपास के गांवों से गुर्जर शहर में घुस आए और विद्रोह करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो दूर संचार के तार भी यहाँ पे काट दिए गए, जो घुड़सवार थे जो संदेश लेके जाया करते थे दिल्ली वगैरह में दूसरी जगह में उनको भी रोक दिया गया था। और मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, वहां भी भारतीय सेना ने बगावत कर दी और विद्रोहियों में शामिल हो गए थे। तो यहाँ पर वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया और इस प्रकार 24 घंटे के अंदर एक मामूली विद्रोह से शुरू होकर पूरे भारत में राजनीतिक बगावत में परिवर्तन हो गया था। ठीक है ना, तो ये था मेन बगावत, विद्रोह कहां से शुरू हुई, तो आपको यही लिखना। विद्रोह इतना ही नहीं हुआ, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, मैनपुरी, अलीगढ़, शाहबाद, दानापुर, पूर्वी पंजाब, सभी जगह यहाँ पे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने एक साथ में विद्रोह कर दिया और सेना के विद्रोह करने से पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन भी तितर बितर हो गया और उसके तुरंत बाद शहर गाँव में विद्रोह शुरू हो गए थे। कई स्थान ऐसे भी थे जहाँ के लोग सेना के विद्रोह से पहले ही बगावत कर चुके थे, सरकारी खजाने भी लूटे गए, गोली बारूद भी लूटे गए, जो बैरंग थे, न्यायालय थे, उनको जला डाला गया, कारागार के दरवाजे खोल दिए गए थे, जमींदार महाजनों के नए जमींदार महाजन जिन्हें बेदखल कर दिया गया था उन पे हमला किया गया। तो एक तरह से बदले की भावना यहाँ पर किसानों में और आम जनता में और सैनिकों में थी। ठीक है, तो ये था विद्रोह का मेन उद्भव यानी कि कहां से शुरुआत हुई। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हो गया कृषक
को का शोषण कैसे और किस वर्ग द्वारा किया जाता, तो महाजन जमींदार के द्वारा। अब मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया तो आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटनाएं क्या क्या थी, तो विद्रोह की प्रमुख घटनाओं में क्या होगा ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। सेना का विद्रोह हुआ जो अभी ऊपर पढ़ा बता के आपको आए, सिर्फ वही आपको यहाँ पे लिख देना है, एक पढ़ लीजिए ध्यान से, इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर जन विद्रोह भी था ऊपर, जस्ट अभी जो आपको विद्रोह के मेन कारण में उद्भव में जो बता के आए वही चीज को आपको बांट देना, सेना का विद्रोह कर देना, सेना के विद्रोह में साथ में जन विद्रोह यानी वहां की जो जनता थी उन लोगों ने भी साथ दिया, किसका किनका साथ दिया, सिपाहियों का साथ दिया, उन्होंने भी उनके साथ में बिल्कुल साथ मिलाकर काम किया। तो ये था यहाँ पे 1857 के विद्रोह के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में। ये भौगोलिक विस्तार नहीं आएगा, क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि 1857 की क्रांति के मेन कारण क्या थे या मुख्य कारण क्या थे बताइए। दूसरा क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे ये बताइए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके उद्भव के क्या कारण थे, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है ना। ओके चलिए, यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी है अगर इसमें दिया होगा कि असफल क्यों हुआ 1857 की क्रांति, असफल और अंग्रेज सफल क्यों हुए। ये विद्रोह का दमन और समन, विद्रोह का दमन कैसे किया गया या अंग्रेज कैसे सफल हुए इसको दमन करने में, है ना। तो बोलते हैं ना कि इसमें जनरली जो अपने लोग होते हैं वही लोग इसमें साथ दिए थे, जो लोग विद्रोहियों का साथ नहीं दिए थे वो अंग्रेजों के साथ में मिल गए, कुछ जो खबरी थे वो अंग्रेजों के साथ में मिल गए थे। फिर अंग्रेज भी जहां जहां बगावत नहीं शुरू हुई थी, ठीक है ना, अंग्रेज सबसे पहले वहां पे पहुंच गए और वहां पे उन लोगों ने उनको अपने साथ में मिला लिया था, ठीक है ना। इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया था, दमन कर दिया था। किसका दमन कर दिया था, विद्रोह का दमन कर दिया था, ठीक है। तो इस विद्रोह के मुख्य नेताओं में निम्नलिखित उल्लेखनीय थे, झांसी की रानी मेन थी जो 1858 में लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, आरा के कुंवर सिंह जिन्होंने आजमगढ़ और गाजीपुर में अपना क्षेत्र बनाया था, बेगम हजरत महल जो बाद में नेपाल भाग गई, अवध की सीमाओं और रोहिलखंडों में, यदि आप ये भी लिख देंगे उद्भव में किस तरह से उद्भव हुआ है, किस तरह से दमन किया गया, दमन में आप इनको लिख दीजिएगा किन्होंने लड़ाई लड़ी या अंग्रेजों के साथ में, ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, दमन में कि अंग्रेजों ने किस तरह से दमन किया, दमन तभी होगा जब विद्रोह होगा, ठीक है। ओके विद्रोह के पश्चात क्या होगा, भूमपति बना दिए गए, राजा महाराजा आदि बनाए गए, ये नीति जो है उनको संधि की गई, ठीक है, क्योंकि ये अब अंग्रेजों के समझ में आ गया था कि इनको अपने अंडर में करना बहुत जरूरी था, जिन्होंने बहुत सारे घोषणा पत्र भी बनाए थे, बहुत सारे इन्होंने संधि भी सॉरी वो लाभ बनाए थे, कानून बनाए थे, सेना के लिए बहुत सारे इन्होंने कानून बना दिए थे, सबके लिए अलग अलग पद रख दिए गए थे। तो ये ब्रिटिश विद्रोह के बाद की ब्रिटिश नीति, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के बाद सबसे पहला काम हुआ था, विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने जो बदली थी, पहले ये बदली थी कि 1858 में एक भारत सरकार अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया जो अभी तक शासन कर रही थी, जिस नाम से अब इंग्लैंड की रानी के नाम पर सीधा शासन होना था। 1858 की राजकीय उद्घोषणा इस प्रकार थी, तो 1858 में ब्रिटिश नीति बदल गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के नाम पर शासन होता था, जो 2 जनवरी 1859 तक जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया उन्हें माफ कर दिया गया, ये लिखा गया उद्घोषणा में, कर दिया जाएगा केवल उन लोगों को छोड़कर जिन पर किसी अंग्रेज की हत्या में सीधा शामिल होने का आरोप है, सरकारी नौकरी सबके लिए उपलब्ध होगी, भारत की प्राचीन परंपरा रीति रिवाजों को सम्मान दिया जाएगा और अंग्रेजों के अनुसार बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह की बागडोर संभालने का आह्वान एक बार फिर से दिल्ली में मुगल सत्ता की स्थापना का प्रयत्न था जो कि बाद में फेल हो गया था, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता क्योंकि ये 2-4 लाइन में है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश नहीं चाहती है तो आप कह सकते हैं, इस चीज को बढ़ा के लिख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा और इंग्लैंड की रानी के नाम पर सीधे शासन होता था, ठीक है। तो ये आपका सारांश है, यूनिट 5 हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 6 लेंगे, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और कृषि को हम देखेंगे। ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त देख लेंगे, ये इसमें इम्पोर्टेंट आपका लगता है, हाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था,
ठीक है, रथ वाड़ी व्यवस्था जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी है, तो रथ वाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था और बंगाल में जो है जमीन स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तीन व्यवस्थाएं हम यूनिट्स में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और जोड़िए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जब भी वीडियो डालूंगी तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।